हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर्स की एक नई कॉमिक, जिसमें हम देखेंगे कि मार्वल यूनिवर्स में जितने भी अर्थ हैं, उन सभी के इनकर्जन्स एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, और हर एक सुपर हीरो जो कि अपने अर्थ से बिलोंग करता है, वो उन इनकर्जन को रोकने के कई सारे तरीके ढूंढ निकालते हैं। और इस कॉमिक में हम देखेंगे कि उनमें से कौन अपने तरीकों में कामयाब होता है और कौन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मास्टर बिल्डिंग, सबसे पहले हम देखते हैं वोलेरिया रिचर्ड, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक की बेटी थी। वो अपने दोस्तों से, यानी कि जो सुपर हीरोज के बच्चे थे, उन सभी से कुछ डिस्कशन कर रही थी वर्ल्ड एंडिंग के बारे में, और वो इसी के साथ दिखा रही थी कि उन लोगों के पास सिर्फ 4 दिनों का वक्त है अगले इनकर्जन को रोकने के लिए। बाकी सब लोग उसकी बातें सुन ही रहे थे कि तभी वोलेरिया से कोई कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग कुछ अलग बना रहे हैं? वो मशीनरीज, मल्टीवर्सल शील्डिंग इस पॉड से भरी हुई है। मैं तुम्हारे जितना होशियार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो लाइफ राफ्ट है। और अगर वो लाइफ राफ्ट है, तो क्या यही ब्रिलियंट प्लान है हम लोगों के पास, कि कुछ गिने चुने लोगों को बचाकर हम पूरी दुनिया को तबाह होने दें, सिर्फ डजन्स बचाए, जबकि हम पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अपने कांधे पर लिए घूमते हैं? तब फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा था, वो कहता है, एलेक्स ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रहे, उन लोगों ने कोशिश की थी। ये सब शुरू हुआ था सीक्रेट में इल्यूमिनाटिस के साथ, और उन्होंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो कि यूनिवर्सल कोलाइडिंग को हटा सके, हमारे स्मार्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल एक साथ इकट्ठा हुए सबको बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो मुश्किल थे, कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं कर सकता था, और आखिरकार कोई चारा ना देखकर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो कोई सोच नहीं सकता था, पूरे वर्ल्ड को तबाह करने का। वो लोग टूट गए, वो बिखर गए, और सुपर हीरोज एक साथ फिर कभी नहीं देखे गए। लेकिन उनके एब्सेंस में कोई और उनकी जगह ले चुका था, कबाल, और इस वजह से चीजें मुश्किल होती गई। लेकिन इस वजह से यह भी हुआ कि जो लोग एक साथ लड़ते थे, वो अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है, उतना ही उन लोगों के लिए भी मुश्किल है। और इतना सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो ऑल राइट, हमारा डिस्कशन बहुत हुआ, और अब हर कोई अपने काम पर लगेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम बचा है। और इतना कहते ही वो लोग अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। 4 दिनों बाद इनकर्जन का दिन, जहां पर वो लोग इनकर्जन की राह तो देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो कि इनकर्जन से भी बुरा था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि दो अर्थ एक दूसरे के साथ टकराएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन उससे बुरा ये था, लोगों ने, जो कि दूसरे अर्थ पर रहने वाले सुपर हीरोज थे, उन्होंने भी यही कंक्लूजन निकाला था, और वो इस अर्थ को तबाह करने के लिए इस अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। और हमें लग रहा था कि हमें सिर्फ इनकर्जन से लड़ना है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सुपर हीरो से भी लड़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद, और जय हिंद।